हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ से मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ, जिस मेकअप करके आप कहीं भी जाओगे आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो रहेगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखोगी। लुक को मैंने काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से किया है, आप कर सकते हो। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने हेयर को कैसे कर्ल किया, उसकी वीडियो मैंने बना दी है और मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि इसमें मैंने कोई हीट वाला काम नहीं किया है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक रोलर लिया है, ना ही कोई कर्लर लिया, यानी कि जो प्लास्टिक वाले आते हैं, लकड़ी वाले आते हैं, वो मैंने कुछ भी नहीं यूज किया। सिर्फ पानी से मैंने इस लुक को इस हेयर को मैंने इस तरीके से कल किया है। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी अपना लैक्मे का मॉइस्चराइज़र, जो बहुत ही अच्छा। मैं हमेशा आपको सोचती हूँ कि जो मैं हमेशा लगाती हूँ बस वही चीज़ें बताऊँ, ताकि आप भी बोलो कि दी तरह तरह की चीज़ें बताती हैं तो हम कहाँ से लाएं। इसके बाद मैं लूँगी फ़ोटो फोकस प्राइमर और हुडा ब्यूटी का प्राइमर, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि वो चीज़ें मैं आपको बताऊँ जो मैं हमेशा लगाती हूँ। अगर मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊँगी तो आप कहाँ से लेकर आओगे। फिर मैंने यहाँ से जेल लाइनर लिया, अपने आईब्रो को फिल किया है अच्छे से, उसके बाद मैंने कॉम की हेल्प से सेट कर लिया है। इसके बाद मैंने NYB का कंसीलर लगाया है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ लैक्मे का फुल कवरेज फाउंडेशन। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने आई पे अप्लाई कर लूँगी, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। आप फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे लगाऊंगी कॉम्पैक्ट जो है लैक्मे का, इससे अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे रेड टोन का सेट पिक किया है, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक अप्लाई किया है। फिर मैं अपना NYB का कंसीलर ले रही हूँ, जस्ट आईलेट पर लगाऊँगी और कॉम्पैक्ट से हल्के से सेट कर लूँगी। यहाँ पर मैं ये गोल्डन वाला और ये जो पिंक टोन में है, बिल्कुल लाइट शेड है, इन दो शेड को लगा रही हूँ। पहले गोल्डन, फिर पिंक टोन वाला, फिर लास्ट में फिर गोल्डन। बिल्कुल नेचुरल लुक देता है, पता भी नहीं चलता, ये देखिए। इसके बाद मैं ले रही हूँ NYB का लाइनर, जो बहुत ही अच्छा है, बजट में है, 52 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद मैं ब्राउन वाला सेट पिक करूँगी और हल्का हल्का सा इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और इसके बाद मैं ये वाला सेट पिक की हूँ, थोड़ा सा विग लाइनर ड्रॉ करूँगी, हल्का सा, लाइनर से नहीं ड्रॉ करना आपको। और इसके बाद मैं यहाँ पे ली हूँ अपना एलेगल का लेमिनेटर, काफ़ी अच्छा, इससे आपके फेस पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो मैं आपको फुल रिकमेंड करूँगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ग्लॉसी मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया विल्टन वाइट का फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गाइस, बहुत ही अच्छा। आप लगाओगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा, ईजिली ये लग जाता है और फुल कवरेज फाउंडेशन है। इसका लुक जो है माइंड ब्लोइंग है, आपके पास ज़रूर होना चाहिए। फिर मैं अपने नेक पे ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे कंसीलर सेट लिया है, कॉन्टोर सेट लिया है NYB का, और अपने फेस को मैं कॉन्टोर करूँगी इस तरीके से, क्योंकि जब मेकअप हो जाता है तो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा भरा भरा लगता है, तो आप कॉन्टोर ज़रूर कीजिएगा। कॉन्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसी तरीके से आप कर सकते हो। फिर मैं हाईलाइट करने के लिए कंसीलर लगा ली हूँ और इन सभी को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, अपने कंसीलर को, कॉन्टोर को। पहले आप चाहे कंसीलर ब्लेंड करिए, चाहे कॉन्टोर, एक एक करके ब्लेंड कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी और एक्स्ट्रा निकालते हुए पाउडर को, जब कोई भी कॉम्पैक्ट लीजिए या पाउडर लीजिए, एक्स्ट्रा निकालते हुए, ठीक है। फिर मैंने सीज ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है, जिसमें हाइलाइटर ब्लशर वाला शेड है, तो मैंने यहाँ पे ब्लशर शेड पिक किया और हल्के हल्के से अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं हाइलाइटर वाला शेड पिक कर रही हूँ, फिर इनर कॉर्नर पर, आईब्रो के नीचे, नोज पे, हर जगह चिक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। हल्का हल्का मैंने हाइलाइटर लगाया, ज़्यादा डार्क हाइलाइटर नहीं लगाया, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने वैसे ही लेमिनेटर लगाया था, तो इससे मेरे फेस पे थोड़ा सा ग्लो आ गया। इसके बाद मैंने ली है NYB की लिपस्टिक, मेरी शेड है 1, बुलेट लिपस्टिक है, बट इसके बाद मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाऊँगी, हुडा ब्यूटी की सेम कलर है, इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं लूँगी अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे और एक ब्यूटी ब्लेंडर पे अच्छे से स्प्रे करके और अपने फेस को सेट कर लूँगा। अगर आपको स्प्रे अप्लाई करना नहीं आता तो आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, काफ़ी ज़्यादा ग्लोसी वाला था, कैमरे में तो उतने अच्छे से नहीं आ पाता, बट रियल में वाकई में बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ रहा था। तो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इंस्टा और टिकटॉक पर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो फटाफट से जाइए और इंस्टा और टिकटॉक पर फॉलो कीजिए, वहाँ आपको मेरी पूरी साड़ी, टिकटॉक पे तो सब कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, कोई कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ओके, बाय बाय।